तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था उस्मा, क्या रिश्ता था तुम्हारा फुरकान से? और खुदा के लिए उसकी दिल लगी को दिल का रोग मत बनाओ और अम्मी के जज्बात पर शक करना बंद कर दो। भाई पहले तो आप अपने बेटों की रस्सी को हाथ में लें, उसके बाद ही अपनी बहुओं से बात पूछ करें। ऐसा ना हो कि बेटे अपनी बीवियों की मोहब्बत में ये समझें कि उनकी अम्मा उनकी बीवियों से कोई दुश्मनी निकाल रही है। देखो हया, कैसा खूबसूरत लड़का है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी उज्मा के लिए होना चाहिए। हाँ अम्मी, कह दो आप सही रही हैं, लड़का वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन करता क्या है, कामनी कैसी है? अरे अस्पताल में मुलाजिम है, इतना ही काफी है। अब घर कैसा है, घर वाले कैसे हैं, ये सब बाद में पता चल जाएगा। शादी के बाद वो जैसे भी हो? हाँ वो जैसे भी हो, बस बाद में पता चल जाएगा। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, ये तस्वीर ले जाकर उज्मा और राहिला को दिखा दो, कल वो लोग आ रहे हैं रस्म करने के लिए। और हाँ, राहिला से कह देना कि वो कल ऑफिस नहीं जाएगी, तुम भी कल ट्यूशन पढ़ाने ना जाना। कर इतनी जल्दी किस बात की है? जल्दी मुझे नहीं, जल्दी किसी। अच्छा तुम जाओ, जाकर दिखाओ उन्हें तस्वीर, जाओ। घंटे से ये तस्वीर अपने पास रख के बैठी हुई हूँ, उज्मा को दे दो, उनके आने से पहले एटलीस्ट वो मेंटली प्रिपेयर तो हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रही अम्मी को जल्दी किस बात की, कि रस्म के लिए बुला ली उन्होंने? भाई लड़का अम्मी का देखा भाला है और उज्मा ने भी एक आध बार देखा हुआ उसे, हॉस्पिटल में एडमिन है वो, अच्छी खासी तनख्वाह होगी। और मुझे बड़ी नफीस शख्सियत वाला इंसान लगा था। लाओ मुझे तो ये तस्वीर, मैं उज्मा से बात करती हूँ। संभल कर, चुपचाप खामोश रहने वाली उज्मा वो उज्मा नहीं रही, हमला करने लगी अपने अल्फाजों से। ये नहीं आती अम्मी, ना कुछ देखती है ना समझती है, मेरे पीछे ही पड़ गई है वो, मुझे नहीं देखनी कोई तस्वीर बस ये। ऐसी कोई बात नहीं है, लड़का अम्मी का देखा भाला है और तुम भी तो एक आध दफा मिल चुकी हो, अम्मी ने इसीलिए निश्चय पक्का किया। अभी एक मुलाकात से क्या होता है, अम्मी ने नसीबी बांध दिया मेरा उसके साथ, मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में। मैं सब जान चुकी हूँ, और तुम क्या पूछना चाहती हो पूछो। उज्मा कह रही थी कि एक ही बार तो मिले हैं उन लोगों से, उनके घर वालों से ना जान ना पहचान कुछ कुछ भी तो नहीं। जानने परखने का हक तुम खो चुकी हो, एक जबान का ऐब है जो मेरी नजर में कोई ऐब नहीं, इसलिए कि अमित प्लीज। साइमा और शकीला को कल के लिए कह देना, सुना तुमने भी? जी अम्मी। क्या हुआ? कर दिया अम्मी ने उस अगले के साथ मेरा रिश्ता है, मेरी जबान का ऐब बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। तुम्हारी जबान का ऐब ने नहीं, तुम्हारे किरदार के ऐब ने मुझे मजबूर किया है कि मैं बगैर छानबीन किए तुम्हारे लिए हाँ कर दूं। अभी प्लीज, अगर इसे कोई गलती हो भी गई तो उसको बार बार दोहरा कर आप उसे अज़ियत क्यों दे रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ,
उसकी जिम्मेदार ये है। पूछो इससे, इसकी वजह से मैं हां कर रही हूं, और ये गलती नहीं गुनाह है, गुनाह। देखो सुन, अब मेरी बातों का बुरा नहीं माना। पापी, मैं बुरा नहीं मना रही, पर मैं ये शादी करके एक और गुनाह नहीं कर सकती। मैं मम्मी से बात करूंगी। सब रो नहीं, चलो मुंह धो आके आओ, चलो बाथरूम में जाओ, मुंह धो। क्या होता जा रहा है मम्मी को, क्यों बार बार ये गुनाह? अम्मी, उसमें अभी शादी को तैयार नहीं है, तो आप ही इसे छोड़ दें। आखिरी बार समझा रही हूं तुम दोनों को कि मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही, उसमें कभी थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने कह दिया ना कि क्या बुराई है उस लड़के में, बस थोड़ी सी हकलाहट है तो क्या हुआ, उसमें भी तो। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही, उसमें एक हसास लड़की है, वो ये समझ रही कि आप ये रिश्ता जान बूझ कर तय कर रही है, क्योंकि वो लड़का भी हकलाता है। अगर वो ऐसा समझ रही है ना, तो भी मैं कुछ गलत नहीं कर रही। अरे आजकल तो अच्छी भली लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते, उसमें तो फिर। खैर खबरदार, जो अब तुम लोगों ने उसकी हिमायत की तो, अरे उसे जाकर समझाओ कि अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आया करते। अम्मी आप एक बार उसे प्यार से समझा देंगे तो वो शायद आपकी बात मान जाए। वो नहीं भी समझती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं बात करूंगी उससे। तुम दोनों जाओ खाना लगाओ, मैं उसे लेकर आती हूं। कुछ ना कुछ तो बेहतर हो गए इंशाल्लाह। खाना लग गया, अम्मी बुला रही। तुम ये सब छोड़ नहीं सकती साहब। आपको हर बात में मैं ही क्यों गलत नजर आती, शकीला से जाके कहिए कि वही हरकतें छोड़ दे। साहिमा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन तुम शकीला भाभी की मुखालफत करना छोड़ क्यों नहीं देती? आप हिमायत करना क्यों नहीं छोड़ देते, जहांजेब भाई जाने और शकीला जाने? वो भाभी है मेरी, जहांजेब भाई की जिंदगी डिस्टर्ब हो ये मैं नहीं चाहता। और साहिमा बात तुम कहां की होती है, लाकर खत्म करती हो राहिला पे। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ताल्लुक जुबान से नहीं दिल से होता है। तो मेरा दिल भी निकाल के ना अपने पास रख लो ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। ये तुम लोग ठीक तरह खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं तो खा रही हूं। शकीला, साइमा जी, बेटा तुम दोनों को अपने अपने शोहरों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। अम्मी मेरी तो पूरी कोशिश होती है, मगर मां कोशिश करेंगे कि आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। अम्मी घर का जो माहौल है इसके लिए आप किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, माहौल को बेहतर बनाने के लिए सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही, ये सबकी जिम्मेदारी है ये बताने की कोशिश कर रही हूं। भाभी ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं।
अरे खाना क्यों नहीं ले रही हो? इतने मजे का आलू कीमा तुम्हारी पसंद किसने बनाया? शाबाश लो। मैंने दाल बहुत मजे की बनी है भाई। शुक्रिया। चावल ही उबाल लेती। इसको क्या हुआ? इसे क्या हो गया? मेरा ख्याल है अम्मी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ। जी वे, आज तुमने दाल बहुत मजे की बनाई है। उफ, पहली दफा दाल रोटी के साथ भी मजे की लग रही है। अम्मी, उज्मा कहाँ है? आ रही है। अम्मी उसकी बहुत दिनों से तबीयत खराब है। वो उस दिन भी कह रही थी कि उसके सर में दर्द हो रहा है और मस्ती हो रही है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम चुप रहो और चुप करके खाना खाओ। मैं उज्मा को लेकर आती हूँ। खाना भी तो नहीं खाती वो पागल, इसीलिए बीमार पड़ जाती है। शकीला, अभी से चाय नहीं मिली क्या? अम्मी मैं ला रही हूँ आपके लिए चाय, आप चलिए अपने रूम में। तुम मैके क्यों नहीं चली जाती एक दो दिन के लिए? अम्मी फिर कभी चली जाऊंगी, चाय लीजिए। देखो बेटा, मुझे बार बार सवाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं माँ हूं। अम्मी मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि आप जो चाहे मुझसे पूछें, लेकिन मेरा जवाब वही होगा जो इससे पहले था। यानी तुम फिर इनकार कर रही हो? जी, ये किसी न किसी की शरारत है अम्मी। ये शरारत तुम्हारे साथ क्यों होती है? न माँ हो और न बाप, तो फिर तहफ्फुज कौन देगा? मियाँ वाली हो। बदगुमानी सबसे पहले मियाँ बीवी के रिश्ते पर हावी होती है अम्मी। नाश्ते में क्या खाएंगी? कोई जो सब खाएंगे। वैसे तुम्हारा जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। उज्मा जी। अम्मी ये बक्सा ले जाकर ऊपर स्टोर में रखो। अम्मा ये तो बहुत भारी है। कोई भारी भारी नहीं है, ले जाओ शाबाश उठाकर। अम्मी
मैं और उज्मा ले जाते, बल्कि रहिला को भी बुला लेते हैं। हाँ कोई जरूरत नहीं हया, तुम जाओ किचन देखो, ले जाएगी ये, ले जाओ उज्मा जल्दी करो। पर अम्मी बहुत भारी है ये, मैं अकेले नहीं उठा सकती। एक काम करो, इसमें से थोड़ा सा सामान कम कर लो, बक्सा ले जाना, फिर थोड़ा थोड़ा करके सामान ले जाना। देखो तुम ज्यादा अकलमंदी वाली बातें मत करो, मैंने कहा ना जाओ किचन देखो, और वैसे भी सफाई हुई है, सब बिखेर देगी। उठाओ उज्मा, उठाओ, शाबाश, ले जाने दो उसे, ले जाओ शाबाश, और तुम आओ मेरे साथ किचन में, काम देखना, मेहमान आने वाले हैं, ले जाओ शाबाश। अम्मी बेटा शामी कबाब बना लेना, और मिठाई फ्रूट और निम्को बाजार से मंगवा लेना, और सुनो मिठाई जरा ज्यादा मंगवाना, साथ भी जाएगी। फूफ अम्मी मैं कह रही थी कि अगर हम जाके उनका घर वगैरह देख लेते तो। रिश्ते मकान देखकर नहीं किए जाते। मैं मकान की नहीं घर की बात कर रही हूं अम्मी। अगर कोई एक बार हमारे घर की तरफ देख लेगा ना तो दोबारा कभी इधर का रुख नहीं करेगा। हाँ तुमने बक्सा रख दिया? जी बक्सा काफी भारी था मैं। बहुत ठीक हो, चलो जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बल्कि तुम आओ मेरे साथ, मैं खुद जोड़ा निकालती हूँ तुम्हारा, आओ। हेलो अदनान, राहिला बात कर रही हूँ मैं। हेलो किसका फोन था सायमा? तुम्हारी राहिला का। व्हाट? क्यों फोन करेगी मुझे राहिला? भैया राहिला बेटा उज्मा को ले आओ। गुड्डू बहन, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरा बेटा आपका जाना पहचाना निकला, और माशाल्लाह आपकी बेटी भी बहुत प्यारी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तो गुड्डू बहन देर किस बात की है, फिर मुंह मीठा कर आम लोग का। हाँ बुआ बहन मुझे जल्दी है, वो दरअसल मुझे हज पर जाना है, तो मैं चाहती हूँ हज पर जाने से पहले रुखसती कर दी जाए। अरे बहन आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी, मैं भी यही चाह रही थी। ऐसे करते हैं अगले महीने की तारीख रख लेते हैं। नहीं नहीं अगले महीने तो बहुत देर हो जाएगी, मैं तो चाहती हूँ कि अगले जुमे को ही। अम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मजबूरी है उनसे हज पे जाने का बहाना करिए, वो मुझे घर से निकालना चाहती है। रानी सोचते, और ये बातें तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना। रानी बेटी राज